आज बारे में पवन राजपूत और इस स्टूडियो में बात करने वाला हो क्या आपको इस करंट सिचुएशन में, COVID-19 के सिचुएशन में आपको फेसबुक एड्स रुकानी चाहिए या नहीं रुकानी चाहिए? क्या आपको आपका डिजिटल मार्केटिंग के जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो उसको स्टॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो इस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, करंट सिचुएशन काफी डाउन है। यू ऑल नो कि मार्केट काफी डाउन है, लोग चीजें नहीं खरीद रहे, दे आर कीप देयर मनी, दे आर सेविंग देयर मनी। ओके, सो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक इंटेंशन यही था कि काफी सारे मेरे क्लाइंट्स मेरे को पूछ रहे कि दे शुड स्टॉप देयर एड्स, एंड कुछ क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट की, कुछ प्रोजेक्ट्स की एड्स कम्प्लीटली स्टॉप कर दी, दे आर नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ लीड्स। सो दिस वीडियो कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड, मे बी यू एज वेल, कि इस सिचुएशन में एड चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में दो एफर्ट्स आते हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक पेड एड्स वाला और एक आता है ऑर्गेनिक वाला। सो कीप रनिंग योर ऑर्गेनिक एफर्ट्स, जैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप लाइक प्रोफाइल के ऊपर आप अपडेट्स डाल रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट्स पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हो, तो वो चीजें आप कंटिन्यू करो। मे बी आप SEO कर रहे हो तो वो चीजें कंटिन्यू करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट स्पेंड नहीं करना है। बट इफ यू आर रनिंग अ फेसबुक ऐड, तो यहाँ पर क्या फेसबुक ऐड आपको कम्प्लीटली स्टॉप कर देनी चाहिए, मे बी यू आर रनिंग गूगल एड्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्ट गिर रहा है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में लोग घर होम्स नहीं खरीद रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल, हर किसी की करंट सिचुएशन माइंड सेट यही है कि ज्यादा ज्यादा पैसा बचाओ एंड सेव दिस मनी करंट इन दिस पैंडमिक सिचुएशन, बिकॉज इट विल हेल्प देम अहेड। ठीक है, सो आई वुड से कि काफी सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे टाइप के लोग भी है जो पैसा बचाना चाहते हैं। काफी सारे ऐसे लोग भी है, दे आर फिट एंड फाइन एंड दे आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और ऐसे लोग भी है ना कि जो सोचते हैं कि रियल एस्टेट अभी फिलहाल 50 लाख का जो प्रोजेक्ट है वो अपने को 30 लाख में मिल रहा है, सो 20 लाख की मेरी सेविंग है। सो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है एंड दे डोंट माइंड टू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट। मे बी आपका अगर प्रोजेक्ट अफोर्डेबिलिटी में आता है 25-30 लाख का, तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, क्लाइंट्स फॉर श्योर मिलेंगे जो सिचुएशन में भी आपके साथ वो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है करेंगे, ठीक है, आपके साथ। सो आई विल रिकमेंड कि स्पेंड जो आप कर रहे थे मे बी पर डे 10,000-20,000-1 लाख रुपीज, तो आप उसका हाफ ऑफ द कर दो। मे बी यू आर स्पेंडिंग 10,000 रुपीज, तो आप उसका 5,000 कर दो। मे बी यू आर स्पेंडिंग 3,000 रुपीज, उसका 1.5K कर दो, ठीक है, हाफ ऑफ द कर दो, कीप रनिंग दैट, नेवर स्टॉप द एड, बिकॉज जो भी लीड्स आएगी वो ऐसी लीड रहेगी आज नहीं तो कल वो श्योरली परचेस करेगी। कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो आज आपका प्रोजेक्ट जो है परचेस करेंगे ही। अगर आपका किसी और टाइप का भी बिजनेस है, सो आई विल स्टिल रिकमेंड कि कीप रनिंग एड्स, एंड जो भी आप लीड जनरेट कर रहे हो तो वो लीड जनरेट करने के बाद उनको कीप नर्चरिंग देम, कीप सेंडिंग देम व्हाट्सएप मैसेज, कीप सेंडिंग देम SMS, कीप सेंडिंग देम ईमेल्स, एंड कीप कनेक्टिंग देम विद योर बिजनेस, ठीक है। आप इसका मैं और एक चीज बताना चाहूंगा एज अ बोनस पॉइंट, कि आप यहाँ पर रिटारगेटिंग एड्स भी कर सकते हो। कुछ ऑफर से आपके पास आप उनको रिटारगेट करके एड दिखा सकते हो कि ये हमारी ऑफर है, सब तरह एड दिखाओ, गूगल के ऊपर भी दिखाओ, जो स्पेंड है कम कर दो, बस स्टॉप मत करो। आई विल हाईली रिकमेंड, क्योंकि जो भी लीड्स आएगी यहाँ पर ऐसे इन्वेस्टर्स लीड आपको मिल सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट माइंड सेट के साथ आपके साथ इन्वेस्ट करें, कि करंट सिचुएशन में प्राइस रियल एस्टेट के डाउन हो चुके हैं और यही सही मौका है अभी इन्वेस्ट करके, अभी प्रॉपर्टी जो भी है खरीद के कल चल के 5 साल में 3 साल में हायर प्राइस पे सेल करना है, प्रॉफिट अर्न करना, ऐसे भी इन्वेस्टर्स है काफी सारे होते हैं। बट या मोस्ट ऑफ जो है जो मिडिल क्लासेज इनकी जॉब चली गई वो तो नहीं खरीदेंगे, बट यस ऐसे लोग भी है ना मार्केट में कि है ही नहीं जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो आई पर्सनली मेरे 2 से 3 क्लाइंट्स है जिनका मैंने रिकमेंड किया है कि बजट कम कर दो बट कीप रनिंग दैट, और स्टिल दे आर गेटिंग सम सेल्स राइट फ्रॉम पर, और जब से कोरोना वायरस आया है तब से इवन आई वुड से कि उनका बिजनेस ग्रो हुआ है एज कम्पेयर टू 2019-2020 में काफी ग्रो हुआ है। आई कांट शेयर द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, बट यस उनका बिजनेस ग्रो हुआ है इस सिचुएशन में भी। सो जस्ट ये पॉइंट के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ डाउट है, कमेंट है, कुछ सजेशन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो फॉर पर्सनल। सो सी यू इन अदर वीडियो, थैंक यू सो मच। We'll be right back.